सेक्स नहीं होने से स्त्री का चिड़चिड़ापन, इसके बारे में आज मैं बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक लड़की ने, करीब करीब अंदाजे 30 साल की थी, और उसको उसने हस्बैंड को मेरे पास मिलाया। हस्बैंड था 28 साल का, 2 साल छोटा। अरेंज मैरिज थी, लड़की काफ़ी एजुकेटेड थी, हाईली एजुकेटेड थी, और उसके लिए फिर उसकी अपेक्षा भी काफ़ी थी। और फिर हस्बैंड जल्दी लड़का न मिलने से शादी पोस्टपोन होती गई, आगे ढक, मतलब शादी हुई नहीं, लड़का अच्छा नहीं करके। और ये लड़के की भी ऐसी थी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियां होना, एक्सपेक्टेशन बहुत है, तो दोनों भी एक्सपेक्टेशन में अपने अपने जगह पे थे। एक दिन उनकी अरेंज मैरिज हुई, मतलब शादी.com जैसे जो संकेत स्थल है वहाँ से, वेबसाइट से, वहाँ से उन्होंने जानकारी लेके शादी हुई। अभी हुआ क्या कि लड़की को इच्छा है सेक्स करने की, और लड़का जो है वो सुहाग रात में भी, उसने कुछ तो भी कारण निकाला और सुहाग रात में भी सेक्स नहीं किया। बाद में 8 दिन में कभी कभी एक आधे बार सेक्स करना, 15 दिन में एक आधे बार सेक्स करना, और लड़की फिर इरिटेट हो जाती थी। वो इरिटेट हो रही है काफ़ी कि ये क्या लगा है, अभी शादी हुई है आपकी और आप सेक्स ही नहीं करते हो। वो उसको एक्साइट करने की कोशिश करती है अपने पति को, कुछ ज़्यादा मेकअप कर लेंगी, ज़्यादा सेक्सी कोई कपड़े पहन लेंगी, या ज़्यादा सेक्सी बात करेंगी, हर तरह से उसने कोशिश कर लिया, मगर लड़का कुछ एक्साइट होता ही नहीं है। ये उसकी कंप्लेंट है लड़की की। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये लड़का जो होता, मैं करता रहा हूँ सेक्स, कर रहा हूँ बोले तो फिर 8 दिन में, 15 दिन में एक आधे बार कर लेता है, वो भी बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है तो करता है। इससे हुआ क्या कि फिर छोटी छोटी बात के ऊपर लड़का लड़की के ऊपर, मतलब पति पत्नी के ऊपर गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा। कुछ गलतियां भी अपने सेक्स तो हो नहीं रहा है, फिर और कहीं गलती निकालो, है ना, इधर का गुस्सा उधर निकालो। फिर लड़की भी उसको उल्टा जवाब देती है, तो फिर देखो तुम उल्टा जवाब दे रही है, मतलब अभी उनकी अनबन चालू हो गई। और कौन सी, सेक्स छोड़ के बाकी सब बातों के ऊपर, कि चाय गर्म नहीं दिया, कॉफ़ी गर्म नहीं दिया, खाने को लेट लगाया, पानी गर्म नहीं लगाया, तुम मेरे तरफ देखती भी नहीं है, मैं ऑफिस से आ गया तो देख नहीं रही है, मतलब ऐसे अलग 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 पॉइंट्स लेके झगड़े करते जाना। तो झगड़ा होता है तो फिर वो झगड़ा कारण लेके फिर सेक्स करना नहीं, क्योंकि झगड़ा हुआ आपके यहाँ सेक्स का तो मूड ही नहीं है। मतलब झगड़ा हुआ करके सेक्स नहीं, कि सेक्स नहीं है करके झगड़ा हुआ है, ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और फिर दोनों झगड़ रहे, फिर मेरे पास में आ गए। मैंने देखो भाई, 8-15 दिन में एक बार सेक्स करना, ये तो है तो कमी, मतलब सेक्स का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 28 साल की उम्र में यदि लड़का सिर्फ 15 दिन में एक बार सेक्स करता है तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी कम है, और लड़की की ज़्यादा है, इच्छा ज़्यादा है उसकी, तो फिर कैसा करेंगे। ज़रूरत है आपको, इलाज तो करना ही पड़ेगा। लड़का बोलता मुझे कि ज़रूरत ही नहीं इलाज करने की, मतलब उसको इतनी सेक्स की एक्साइटमेंट ही नहीं है, उसको सेक्स की उतनी इच्छा भी नहीं है, और वो खुद होकर बात भी नहीं करता। वैसा उसको इरेक्शन आता है जब करता है, तो उसको इच्छा नहीं है। अब इच्छा नहीं है, इसका कारण क्या है। इस इच्छा नहीं, इसका कारण हो सकता है कि उसको एक तो मानसिक बीमारी है, हो सकता है डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, वरी है, स्किजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन, कुछ ना कुछ ऐसी बीमारी है कि भाई जिसके वजह से उसको सेक्स आता ही नहीं है, सेक्स की इच्छा ही होती नहीं है। या फिर बचपन में ऐसा कुछ तो भी हुआ है कि जिसके वजह से उसको, मन को बहुत चोट लगी हुई है, एक नफरत जैसी पैदा हुई सेक्स के बारे में, सेक्स की बिल्कुल इच्छा ही नहीं, उसके तरफ ध्यान जाता नहीं, आकर्षण नहीं, कुछ नहीं है, तो भी ठीक कैसा करें। तो फिर उनको मैंने बोला कि आपको भाई काउंसलिंग में आना पड़ेगा, काउंसलिंग करेंगे, निकालेंगे बात क्या हो गया क्या नहीं। तो धीरे 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 जब काउंसलिंग में आते रहे तो मालूम पड़ा कि उसका जो बचपन में जब था तो उसका सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ था। उस मामा के घर में गया तो मामा ने, मैटरनल अंकल, मामा ने उसको सेक्सुअली एब्यूज़ किया, उसके लिंग को छेड़छाड़ किया, खुद का लिंग उसने हाथ में पकड़ के उसको मास्टुबेशन करने लगाया, और बाद में बहुत धमकी दिया कि तेरे को मैं मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा कुछ भी धमकी दिया कि बोलना नहीं किसको, और उल्टी उसकी शिकायत माँ के पास में कर दिया इसकी, कि ये तो बहुत एरोगेंट है, ये तो बातचीत ही नहीं करता, ऐसा उल्टी शिकायत चालू कर दिया। तो फिर ये इसका बोलने का सवाल ही नहीं आता। तब से उसके दिमाग में घृणा पैदा हो गई, और वो घृणा लेकर ही वो चल रहा है। कभी उसने कॉलेज के ज़माने में लड़कियों से बात नहीं किया, कभी लड़कियों के साथ में कोई बाहर जाना आना, डेटिंग, गर्लफ्रेंड ने कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपना काम भरा, पढ़ाई भली, बाकी कुछ सेक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसे लड़के के साथ में शादी होने के बाद में लड़की को बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि नॉर्मल भी उसकी इच्छा नहीं है सेक्स करने की। तो उसका फिर मैंने काउंसलिंग करने के बाद में जब ये निकल आया, तो मैंने उसको बोला भी आप पास कंप्लीट करो, आप जब पास कंप्लीट करेंगे उसके बारे में,
और एक नया फ्रेश लाइफ चालू करेंगे तभी एक संभव है। तो काउंसलिंग देने के बाद में काफ़ी उनका अच्छा हो गया। बाद में कुछ 2-3 महीने के बाद में मेरे पास में आए दोनों भी, बोले अभी हमारा अच्छा चल रहा है, अभी 2-3 दिन में एक बार तो हम कर ही लेते हैं। और दोनों भी खुश है। पत्नी ने मुझे खबर दिया कि अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और अभी मैं जल्दी माँ बनने वाली हूँ। तो ये ऐसा रहता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वो कपल्स को शेयर करो, स्पेशली वो लेडीज़ कि जो फ्रस्ट्रेट हुई है, उनको इच्छा है और नॉर्मल सेक्स भी उनका हस्बैंड करता नहीं है। और फिर इसमें होता क्या है कि फिर विवाह वाय संबंध होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि घर में उसको समाधान नहीं, तो फिर नेचुरली हॉर्मोन्स जो है ना वो चुप नहीं बैठने देते, फिर वो हॉर्मोन्स अंदर से उफाल के आते हैं और वो फिर कुछ ना कुछ कारनामे करना चालू कर देते हैं। फिर वो बाहर किसी के साथ में अट्रैक्शन हो जाता है, बातचीत हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, फिर विवाह वाय संबंध भी हो सकते हैं, फिर उसे नया प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सभी महिलाओं को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अपने अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट कर लेगी और एक अच्छा वैवाहिक जीवन चालू रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।